इस कोलगेट से इस तवे पे लगाने वाली हूँ जबरदस्त जुगाड़। तो आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे कि क्या कर दिया तवे को। तो अब वीडियो में बने रहिए। यार ये इस टाइम कोलगेट लेके क्या कर रहे हो हाथ में किचन में? कोलगेट से ब्रश करूंगी अरे अभी कौन सा ब्रश करेगा टाइम है, और ये ये तवा भी लिए हो तवा क्यों? को ब्रश कराऊंगी आज। अरे यार क्या मजा का, बताओ क्या करो कोलगेट से? तवा बोल तो रही हूँ, आज जुगाड़ लगाने वाली हूँ इस कोलगेट से। तो क्या जुगाड़ लगाऊंगी आप लोगों को भी बताऊंगी। नहीं, तो तो ये तवे से क्या करोगे? तवे आप क्यों लिए बताओ ना मेरे को, तवा और कोलगेट से ही जुगाड़ लगाना है, तो क्या क्या मजाक जुगाड़ है यार। लगाऊंगी वो बताऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, अरे और लाइक शेयर फॉलो तो कर देंगे यार, पहले बताओ ना तवे और कोलगेट से क्या करोगे? जितना हमारे फॉलोअर्स उत्साहित नहीं हो रहे उतना तो आप हो रहे हो कि क्या बताओ करेंगे बताओ बताओ, मुझे जानना है कोलगेट लेके क्या, कोलगेट से तो भाई हम ब्रश करते हैं। इस कोलगेट से। ये देख सकते हो तवा कैसा हो रखा है, क्या हुआ ये तवा जल जल गया गया? है। हाँ तो इसे क्या करोगे, ब्रश तो करवाओगे इसको? हाँ, इसको ब्रश कराऊंगी ताकि साफ हो जाए, चमचमा जाए तवा। अच्छा 100% से चमचमा जाएगा? हाँ, क्या क्या चाहिए इसके लिए? दो ही चीज चाहिए बस, वो तो हमारे किचन में रहता ही है। इसका तो जरूरत सबके घर में रहता है सुबह सुबह, हाँ और वेनेगर भी रहता ही है। तो दो चीज चाहिए बस, कोलगेट और वेनेगर। रिजल्ट दिखाओगे इसमें? हाँ दिखाऊंगी, चलो फिर साफ करो फटाफट, रिजल्ट देखते हैं। तो साफ करती हूँ पहले। अब ये कोलगेट ले लिया है मैंने, इसका ब्रश करवाती हूँ। पहले पूरे तवे पे मिला देती हूँ इसको, देख सकते हो कितने हल्के हाथों से मिला रही हूँ। और दूसरा जो चीज़ है अब लगाती हूँ इसमें, वो है वेनेगर। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ही लगाऊंगी, और तवा हो जाएगा, चमक जाएगा एकदम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से कर रही हूँ। तो आप लोगों के घर में भी जला हुआ तवा हो तो इस तरह का जुगाड़ लगा सकते हो और साफ कर सकते हो। ये तो हमारे लोहे वाला तवा है, अगर आपके पास नॉनस्टिक वाला भी है तो वो भी साफ हो जाएगा इस जुगाड़ से। तो ऐसे ही करके आप साफ कर सकते हो, सही में यार गंदगी छूट रहा है इसमें से। अरे देख सकते हो साफ होने लगा है। ये देखो गंदगी छूट रहा है इसमें, जुगाड़ तो काम लायक है लग रहा है। हाँ, जुगाड़ काम लायक ही बताती हूँ ना मैं लोगों को। सही में यार, वो सबसे बड़ा मजा तो फ्रिज वाला जुगाड़ आया था, सबके इतने अच्छे कमेंट्स आए ना उस पर। हाँ, तो इसी तरह का जुगाड़ लगाते रहती हूँ, बताते रहती हूँ कि लोग भी परेशान ना हो, सोचते हैं कि कैसे करें साफ। देखिए अब गंदगी छूट गया है इसका, जितना भी जला हुआ था सब छूट गया है। और आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए, कुछ मतलब कुछ आप लोगों को भी वीडियो बनवाना है उनका कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो देख सकते हैं अब ये पूरा साफ हो गया है। अब इसको पानी में धो के आपको दिखाती हूँ कि कैसा हो गया है। देखिए हमारा तवा कैसा था और कैसा हो गया, वाह ये तो चमक गया यार। देखिए। अब मैंने जोर भी नहीं लगाया है, एकदम हल्के हाथों से किया है। ये तो कोलगेट का और विनेगर का टिप्स गजब है। हाँ देख सकते हो कितना साफ हो गया है, तवा हमारा एकदम क्लीन हो गया है। सही और में आपको ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना भी नहीं पड़ा, घिसना भी नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। अब कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।